गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज क्लास फोर्थ का सातवां चैप्टर द ओलंपिक गेम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, द ओलंपिक गेम्स। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ओलंपिक गेम्स, जो CBSE क्लास फोर्थ की कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज, जो एक बुक बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, उसी का एक चैप्टर है, सातवां चैप्टर द ओलंपिक गेम्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ओलंपिक गेम्स, चैप्टर का नाम है द ओलंपिक गेम्स। इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वार्म अप, वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर्स, कैन यू आइडेंटिफाई द स्पॉट्स दैट आर बीइंग प्लेड, टेक टर्न्स टू डिस्क्राइब द एक्शन इन द पिक्चर्स टू इच अदर। यहाँ पे कुछ गेम्स है, स्पॉट्स है, इसमें कुछ दिखाए गए हैं ये सारे, जैसे एक दो तीन चार, चार गेम्स के फोटो दिखाए गए हैं। इसको आपको पिक्चर को देखना है और बताना है कि ये कौन सा गेम्स है, और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जो ये पहला है स्पोर्ट्स, जो गेम है, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और दूसरा, तीसरा और चौथा जो है, आप लोग खुद इसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है डाल दीजिएगा। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर है द ओलंपिक गेम्स। ये चैप्टर है द ओलंपिक गेम्स, किसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीड अबाउट ओलंपिक गेम्स, द वर्ल्ड मोस्ट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स। जो हम लोग चैप्टर है ओलंपिक गेम्स, जो पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, यानी कि खेल का एक इवेंट है। द ओलंपिक गेम्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट दैट इंक्लूड द समर ओलंपिक्स एंड द विंटर ओलंपिक्स। जो ओलंपिक गेम्स है, पूरे दुनिया का बहुत ही प्रतिष्ठित गेम है, जो पूरे विश्व में बहुत ही अलग अलग गेम्स इवेंट इसमें आयोजित किए जाते हैं। और जो ओलंपिक है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला तो है समर ओलंपिक एंड दूसरा है विंटर ओलंपिक। यानी कि स्टूडेंट, जो ओलंपिक है सबसे दुनिया का, मिस वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल, यानी कि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का मल्टी स्पोर्ट्स है, यानी कि बहुत सारे इवेंट इसमें खिलाए जाते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ओलंपिक है दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो टाइम में कराए जाते हैं। पहला तो है समर ओलंपिक, यानी कि गर्मी का समय में खिलाया जाता है, और दूसरा जो है विंटर ओलंपिक, जो ठंडी के समय में आइस पे, यानी कि बर्फ पे या स्नो पे खिलाया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये जो है आइस इवेंट है, यानी कि बर्फ पे खिलाया जाने वाला है इवेंट। और यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जो गेम्स दिख रहा है, ये समर ओलंपिक में खिलाया जाता है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, ये समर ओलंपिक में खिलाया जाता है, और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये विंटर ओलंपिक्स में है, यानी कि स्नो पे, यानी कि बर्फ पे ये सारे इवेंट विंटर ओलंपिक्स में खिलाए जाते हैं। और ये जितने भी सारे हैं, ये सारे जितने भी इवेंट्स आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं समर ओलंपिक्स में खिलाए जाते हैं। तो जो ओलंपिक है दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो है समर ओलंपिक्स, यानी कि गर्मी के समय में जो खिलाया गया ओलंपिक है वो समर ओलंपिक है, और दूसरा जो है विंटर ओलंपिक, यानी कि जो ठंडी के समय में बर्फ पे, स्नो पे जो खिलाया जाता है वो विंटर ओलंपिक है। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स डेट स्टार्टेड इन द 19th century वॉज इंस्पायर्ड बाई द एंशियंट ओलंपिक। अभी के समय जो ओलंपिक खिलाया जाता है, गेम्स जो होते हैं, जो 19th century में, यानी कि जो अभी जो गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, वो इंस्पायर्ड है एंशियंट ओलंपिक गेम्स के, यानी कि जो पहले, यानी कि जो प्राचीन काल में ओलंपिक गेम्स होते थे उसी से इंस्पायर्ड है, उसी से मिलता जुलता जो गेम है अभी खिलाया जाता है मॉडर्न टाइम में, यानी कि अभी के समय आधुनिक काल में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो एंशियंट टाइम से ही इंस्पायर्ड है। एंशियंट ओलंपिक गेम्स आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड अराउंड
3000 years ago in Greece, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है जो एंशियंट ओलंपिक है, जो प्राचीन काल में ओलंपिक गेम्स जो खिलाया जाता था वो लगभग आज से 3000 साल पहले ग्रीस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। द ईयर 1776 BC इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द ईयर व्हेन द गेम्स वेयर फर्स्ट ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ ए रिलीजियस फेस्टिवल। और ऐसा माना जाता है जो 776 BC है, यानी कि 776 BC है, उसी समय सबसे पहले इस ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, उसी को हेल्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट टाइम, और उस गेम्स को एज ए रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्यौहार के रूप में ही मनाया गया था। तो जो स्टूडेंट हम लोग जो अभी ओलंपिक गेम्स देखते हैं और जो खेलते हैं, जो बहुत सारे कंट्री के प्लेयर उसमें जा कर के जो खेलते हैं, वो इंस्पायर्ड है, यानी वहाँ से दिया गया है, प्रेरित होकर के ही, एंशियंट टाइम से प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के अभी जो 19th century में जो गेम्स खेला जाता है उसी से इंस्पायर्ड है, यानी कि पहले वाले से, एंशियंट वाले से इंस्पायर्ड है। और अभी तो मॉडर्न टाइम में बहुत अच्छे तरीका से ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया जाता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो एंशियंट ओलंपिक है वो सबसे पहले आज से 3000 साल पहले ग्रीस में सबसे पहले खेला गया था। ग्रीस एक यूरोप का एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो है, जो इस गेम्स को सबसे पहले 776 BC में एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स है उसको सबसे पहले खेला गया था 776 BC में, और उस गेम को एज ए रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्यौहार के रूप में इस गेम को खेला गया था। दे वर हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड ज्यूस एंड होस्टेड इन द वैली ऑफ ओलंपिया। ये जो गेम है जो सबसे पहले जो खेला गया था एक सम्मान देने के लिए, जो ग्रीक का गॉड है ज्यूस, उसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए सबसे पहले खेला गया था, और उसका जो होस्टेड है, उसको जो आयोजित किया था वो वैली ऑफ ओलंपिया यानी कि ओलंपिया की घाटी में सबसे पहले इस गेम को, ओलंपिक गेम को स्टार्ट किया गया था। और किस लिए स्टार्ट किया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो गॉड है, जो ग्रीक का गॉड है ज्यूस, उसको ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए ओलंपिक गेम का उद्घाटन किया गया था, और उस गेम को एज ए रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्यौहार के रूप में सबसे पहले खेला गया था, और धार्मिक त्यौहार के रूप में उसको मनाया भी गया था, इसके सम्मान में, गॉड ज्यूस के सम्मान में सबसे पहले ओलंपिया की घाटी में खेला गया था। देयर आर सेवरल मिथ्स अबाउट हाउ द ओलंपिक गेम्स इंटू बींग। यहाँ पे बहुत सारे मिथ है, देयर आर सेवरल मिथ्स अबाउट हाउ द ओलंपिक गेम इंटू बींग। यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स भी है, यानी कि मिथक भी है, जो कैसे बताया गया कि ओलंपिक गेम्स अपने आप खेला गया है, कैसे ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया गया था, इसके कारण, इसके पीछे जो है बहुत सारे मिथ्स भी है, बहुत सारे कहानी भी है जो बताया गया है। वन सच मिथ इज डैट व्हेन ज्यूस डिफेटेड हिज फादर क्रोनूज फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड, ए टेम्पल एंड एन इमेंस स्टैच्यू वर बिल्ड इन ओलंपिया टू ऑनर हिम। पहला तो मिथ यही है कि जो ज्यूस है, जो गॉड है ग्रीक का, वो अपने फादर क्रूज को वो हरा दिया था पूरे दुनिया में कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए, इसी के सम्मान में एक टेम्पल बनाया गया था और उसका स्टैचू जो है ओलंपिया में वहाँ पे स्टैचू बनवाया गया था, यानी कि स्टैचू वेयर बिल्ड इन ओलंपिया टू ऑनर हिम। ज्यूस के सम्मान में, ऑनर में ओलंपिया में एक टेम्पल बनाया गया था, एक मंदिर बनाया गया था, जो ज्यूस था अपने फादर को, क्रून को, फादर का नाम क्रून जो है उसको हराया था उसी के सम्मान में, और वो जो ज्यूस है, जो ग्रीक गॉड ज्यूस है, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए अपने फादर को हराया था, उसी के सम्मान में एक मूर्ति बनाया गया था, इसीलिए जो पहला मत है उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के ऑनर में जो ओलंपिक गेम है उसको खिलाया जाता है, ये पहला मिथ है। इट इज अराउंड दिस टेम्पल डैट द रिलीजियस फेस्टिवल डेवलप्ड वेयर पीपल केम टू वर्शिप एंड ऑनर ज्यूस। क्या हुआ स्टूडेंट, जो टेम्पल बनाया गया था, जो ज्यूस है उसके जो रिस्पेक्ट में, उसी के ऑनर में जो टेम्पल बनाया गया था, उसके चारों ओर सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जुटते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल
मनाया जाता है, उसी को पूजा किया जाता है, उसी को जूस जो है उसका ऑनर दिया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। और इसी प्रकार जो है वहाँ पे जो पहला ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गया था वो भी कहाँ पे हुआ था, ग्रीस में हुआ था, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। अनदर मिथ इन्वॉल्व्स हेराक्ल्स द सन ऑफ ज्यूज हु हैड इमेंस स्ट्रेंथ। और दूसरा जो मिथ है, जो अनदर मिथ है, ऐसा कहा जाता है जो ज्यूज है उसका जो पुत्र हेराकल है, हु हैज इमेंस स्ट्रेंथ, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत था, द किंग ऑफ माइसेंस ऑर्डर हिम टू कम्प्लीट 12 वेरी डिफिकल्ट टास्क। और किंग जो है माइसेन का जो किंग है उसको ऑर्डर दिया था, उसको बोला गया, उसको बोला था हेराकल को जो सन ऑफ ज्यूज है उसको बोला कि तुम बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि कठिन 12 टास्क करो, कंप्लीट करो, विच ही हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और वो हेराकल जो है बहुत ही आसानी से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, वो 12 टास्क को आसानी से कंप्लीट कर लिया था। द किंग ऑफ गॉड ज्यूज वॉज सो प्लीज्ड विथ हिम डैट ही टू हेराकल टू माउंट ओलंपस टू लाइव एमोंग द गॉड्स। और वो जो हेराकल है वो 12 जो डिफिकल्ट टास्क है जो काम दिया था किंग दिया था मैसेन, वो आसानी से उसको कंप्लीट कर दिया, इसी कारण जो गॉड है ज्यूज वो बहुत ही खुश हुआ वो अपने पुत्र से हेराकल से, और उसको लेकर के माउंट ओलंपस चला गया, वहाँ पे गॉड के साथ भगवान के साथ उसको भी रखा। ही ऑल्सो इनिशिएटेड द ओलंपिक गेम्स इन ऑनर ऑफ हेराकल। और उसी के सम्मान में, हेराकल के सम्मान में ही जो ओलंपिक गेम्स क्या होता है स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट हम लोग अभी तक 2 मिथ है जो ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला जो है जो ज्यूज है अपने फादर को हराया था पूरे दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए, और उसका मंदिर बनाया गया था, एक टेंपल बनाया गया था, और वो मंदिर के चारों ओर बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे, एक जगह पे इकट्ठा होते थे, और उसी के सम्मान में फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता था, उसी का नाम ओलंपिक गेम्स रखा गया, और सारे लोग गेम्स खेलते थे, उसी को ओलंपिक गेम्स बोला गया। दूसरा है कि जो ज्यूज का सन हेराकल 12 डिफिकल्ट टास्क को किया था, जिसके कारण जो ज्यूज है बहुत ही खुश हुआ, उसको अपने साथ ले जा करके माउंट ओलंपस में गॉड के साथ रखा, और उसी के सम्मान में उसी को ऑनर देने के लिए फिर से ओलंपिक गेम्स का स्टार्ट हुआ था। The ancient Olympic Games were held till about 393 AD when they stopped after the Roman came to rule Greece. जो ancient Olympic है यानी कि जो प्राचीन काल में ओलंपिक खेला जाता था वो 393 AD तक खेला गया, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया जब रोमन वहाँ पे ग्रीस पे रूल करने आया, जब रोमन जो है ग्रीस में शासन करने आया तो वहाँ पे ओलंपिक गेम्स को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। The modern Olympic Games was started in 1896 by a young Frenchman named Brion Paré de Coubertin. और अभी जो ओलंपिक गेम्स खेला जाता है वो 1896 में उसका स्टार्ट किया गया, उसको स्टार्ट किया गया, और वो स्टार्ट जो है एक यंग फ्रेंचमैन यानी कि जो फ्रेंच का एक व्यक्ति है जिसका नाम Brion Paré de Coubertin है, उसके द्वारा सबसे पहले 1896 में स्टार्ट किया गया। ही वॉन्टेड पीपल From all over the world to come together and compete in a friendly spirit. वो चाहते थे, जो यंग फ्रेंचमैन Brion Paré de Coubertin है, वो चाहते थे कि पूरे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने दोस्ती के भाईचारा के साथ वो गेम्स को खेलें, इसीलिए वो एक गेम्स को स्टार्ट किया, उसी गेम्स को बाद में ओलंपिक गेम्स का नाम दिया गया। The Olympic Games are held every 4 years. एक फैक्चुअल जानकारी है, जो ओलंपिक गेम्स है हर एक 4 साल में आयोजित किया जाता है। The Olympic symbol with the 5 rings stand for the unity of 5 continents. और वहाँ पे ओलंपिक जो सिंबल है, उसका जो सिंबल है, ओलंपिक का सिंबल है कि 5 rings है, जैसे आप लोग फोटो में शुरुआत में मैंने दिखाया था कि ये जो 5 रिंग्स है, पहला रिंग्स, दूसरा रिंग्स, तीसरा रिंग्स, चौथा रिंग्स, पांचवा रिंग्स, ये सारे जगह पे जो 5 रिंग्स है, ये 5 रिंग्स जो सिंबल है यानी कि दर्शाता है, दिखाता है पूरे 5 कंटिनेंट का, जो अपने लोग, हम लोग जो सीखते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं 5 कंटिनेंट, जैसे एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो हम लोग ये पढ़े हैं फाइव कंटिनेंट, उसी के यूनिटी यानी कि एकता के बारे में ये सिंबल बताता है, जो फाइव रिंग्स है। एटलीस्ट वन ऑफ द कलर ऑफ रिंग्स, जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। इस पिक्चर में हम लोग आसानी से देख सकते हैं ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो और रेड, पांच जो कलर है रिंग्स का, अपीयर्स इन द फ्लैग ऑफ इच कंट्री दैट टेक्स पार्ट। वो जितने भी कंट्री इस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसके सारे कंट्री में ओलंपिक का सिंबल अपीयर होता है, यानी कि दिखता है। द ओलंपिक मोटो इन लैटिन साइटस एल्टस फोर्टियस मीन्स स्विफ्टर हाइयर एंड स्ट्रोंगर। जो ओलंपिक का मोटो है लैटिन में दिखाया गया है साइटस, जिसका इंग्लिश में होता है स्विफ्टर यानी कि तेज, एल्टस जिसका मतलब होता है हाइयर यानी कि ऊंचा, फोर्टियस जिसका मतलब होता है स्ट्रोंगर इंग्लिश में यानी कि ताकतवर। यानी कि जो ओलंपिक का सिंबल है, मोटो है, वो लैटिन में साइटस एल्टस और फोर्टियस है, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है स्विफ्टर हाइयर और स्ट्रोंगर यानी कि तेज, ऊंचा और ताकतवर। कोबर्टिन फेल्ट इट डिस्क्राइब द गोल ऑफ एथलेटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो कोबर्टिन है पूरे दुनिया में एथलेटिक्स के बारे में बताना चाहता था, पूरे दुनिया को बताना चाहता था ओवर द वर्ल्ड, उस गोल के बारे में, एथलेटिक्स के बारे में बताना चाहता था, इसीलिए उसने एक गेम को आयोजित किया था, हेल्ड किया था, जिसका नाम ओलंपिक के बाद में पड़ गया। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन ए वीमेन ड्रेस्ड इन ग्रीक रॉब्स लाइट द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। क्या होता है स्टूडेंट कि जो गेम्स को स्टार्ट होने से कुछ सप्ताह पहले एक लड़की जो है वो अपने ग्रीक रॉब्स यानी कि जो ग्रीक का जो कपड़ा, ग्रीक में जिस स्टाइल से कपड़ा पहना जाता है, उस स्टाइल से कपड़ा पहन के ओलंपिक टॉर्च को ओलंपिया में, ओलंपिया की घाटी में क्या करता है, जलाए रखती है। जैसे आप लोग शुरुआत में देखेंगे यही है ओलंपिक का टॉर्च, जिसको हम लोग मशाल बोलते हैं, और सारे कंट्रीज मशाल के पीछे अपने अपना मशाल लेकर के अपने अपने कंट्री को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लेकर के दिखाते हैं कि मैं इस कंट्री का हूं। स्टूडेंट यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट जो पांच कंटिनेंट है उसका सिंबल है फाइव रिंग्स, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो और ग्रीन। यह सारे जो है यूनिटी है फाइव कंटिनेंट का दिखाता है, और ये मसाल है जो एक वीमेन है जो ग्रीक ड्रेस पहन करके मेनी पार्टिसिपेंट टेक टर्न्स टू रन विद द टॉर्च थ्रू डिफरेंट कंट्री। और वो जो मसाल लिए रहती है औरत, उसके पीछे पीछे सारे कंट्री के लोग, सारे कंट्री के पार्टिसिपेंट है, प्रतिभागी है, उस टॉर्च के पीछे पीछे अलग अलग कंट्री को प्रतिनिधित्व करते हुए उसके साथ रहता है। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन। और जब गेम्स स्टार्ट होता है, जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति रहता है, जो पार्टिसिपेंट रहता है, उस मसाल को लेकर के, उस टॉर्च को लेकर के, यही मसाल है, उस टॉर्च को लेकर के, उस मसाल को लेकर के स्टेडियम में प्रवेश करता है जब गेम्स स्टार्ट होता है उससे पहले। द ओलंपिक फ्लेम इज केप्ट बर्निंग अंटिल द गेम्स क्लोज। और वो जो फ्लेम है, जो टॉर्च है, वो मसाल जो है, वो लगातार जब तक गेम्स चलते रहता है तब तक वो क्या करता था, बढ़ते ही रहता है, जब तक गेम्स क्लोज ना हो, समाप्त ना हो। द फ्लेम इज पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और फ्लेम को क्लोजिंग सेरेमनी को उस दिन भी रखा जाता है, और जैसे ही गेम्स जो है, पूरे जो ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन है समाप्त होते रहता है, उस समय उसको बुझा दिया जाता है, और जब तक गेम्स चलते हैं तब तक उसको क्या किया जाता है, जला करके ही रखा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग सीख रहे हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में, उसमें मिथ्स भी हम लोग सीखे हैं, लैटिन में क्या इसका मोटो है वो भी सीखे हैं, कौन इसका स्टार्ट किया वो भी सीखे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ओलंपिक्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से सीख भी रहे हैं। ये भी सीखे हम लोग कि जो ओलंपिक जब तक खेला जाता है तब तक उस मसाल को जलाया जाता है। और भी आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। When it is time for the athletes to return home, the athletes think about the perseverance and practice that they had to put in for being able to participate in the games. और जब
गेम्स ख़त्म हो जाता है और पार्टिसिपेंट अपने घर अपने कंट्री वापस होते रहते हैं, उस समय वो अपने दृढ़ता के बारे में सोचते हैं और प्रैक्टिस के बारे में सोचते हैं कि मैं कहाँ पे कमी मुझ में रह गई कि मैं एक भी मेडल नहीं जीत पाया, और फिर से वो अपने प्रैक्टिस अपने मेहनत के बारे में सोचते हैं और फिर से ये सोचते हैं कि अगली बार जब भी ओलंपिक गेम्स खेला जाए तो उसमें फिर से हम पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ही मेहनत के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और उस गेम्स को जीतेंगे। एंड मैनी ऑफ देम हु कुड नॉट विन, और उसमें से बहुत सारे ऐसे जो नहीं जीत पाते हैं, फील ग्रेटफुल डैट दे कुड गेट द चांस टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स, और इसमें से जो नहीं जीत पाते हैं वो अपने आप को शुक्रिया करते हैं, उस प्लेयर को शुक्रिया करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे बेस्ट प्लेयर के साथ खेला, उसके साथ कम्पिटिट किया, उसके साथ मुकाबला किया, ये मेरे सौभाग्य की बात है, मैं अपने आप को गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो मुझसे भी बेस्ट प्लेयर है जो नहीं जीत पाए वो सब बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ खेला और मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। परहैप्स दे ऑल्सो रिमेंबर द वंडरफुल एडवाइस that Brian Paddy Cobertin gave, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. शायद वो लोग याद करते हैं जो Brian Paddy Cobertin है उसके द्वारा जो एडवाइस दिया गया था कि ओलंपिक गेम्स में खेलना ही जरूरी नहीं है, जीतना ही जरूरी नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो स्टूडेंट जो जब सारे व्यक्ति सारे पार्टिसिपेंट जब वापस घर जाते रहते हैं तो यही सोचते हैं कि मैंने बहुत ही अपना बेस्ट दिया, लेकिन अगर जो व्यक्ति हार जाते हैं जो पार्टिसिपेंट हार जाते हैं वो सोचते हैं कि मैं फिर से मेहनत करूंगा और फिर से इस गेम्स में पार्टिसिपेट करूंगा, और जो पैरे दी कोबर्टिन है जो इस गेम्स का ऑनर माना जाता है जिसको स्टार्ट करवाया था वो बहुत ही अच्छा बात बोले थे कि ओलंपिक गेम्स इज नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट, इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि ओलंपिक गेम्स में अगर हम नहीं भी जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर उसमें हम पार्टिसिपेट भी कर लिए, उसमें हम उस गेम्स में भाग भी ले लिए तो बहुत बड़ी बात है, इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है द ओलंपिक गेम्स, ये पूरी तरह से इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है जो कहानी का पार्ट है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे तरीका से मैंने इसे पढ़ाने का कोशिश किया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा सीख देख सकते हैं, अगर दोबारा में भी नहीं समझ में आया तो आप तिवारा भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कहानी है जो ओलंपिक गेम्स है, इसमें विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक्स फाइव रिंग्स जो है अलग अलग कंटिनेंट का यूनिटी के बारे में दर्शाता है, और इस प्रकार जो है ये चैप्टर जो है द ओलंपिक गेम्स बहुत ही अच्छे तरीका से कंप्लीट हो गया, अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। आप लोग भी इस जो गेम्स है उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।